देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने लगातार मादक पदार्थ विरोधी अभियान शुरू कर दिया है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के पूर्व पुलिस आयुक्त आईपीएस गौरव शर्मा ने इस मादक द्रव्य विरोधी अभियान की शुरुआत की। सिलीगुड़ी शहर में बड़े पैमाने पर हो रहे नशे के कारोबार को रोकने के लिए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने लगातार अभियान चलाया। तत्कालीन पूर्व पुलिस आयुक्त गौरव शर्मा ने नशीले पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन की पुलिस ही नहीं बल्कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद से सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने लगातार छापेमारी कर ब्राउन शुगर, गांजा और हेरोइन, ड्रग्स, कफ सिरप और इंजेक्शन बरामद करना शुरू कर दिया। साथ ही नशे के सौदागरों की कमर तोड़ने लगी। एक के बाद एक नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया जाने लगा। सिलीगुड़ी शहर में पूर्व पुलिस कमिश्नर गौरव शर्मा के जाने के बाद इस अभियान को नए पुलिस कमिश्नर अखिलेश चतुर्वेदी और अभी के मौजूदा पुलिस कमिश्नर सीपी सुधाकर ने भी वही जारी रखा। व्यवहारिक रूप से हर दिन सिलीगुड़ी शहर के विभिन्न पुलिस स्टेशनों से नशीली दवाएं बरामद की जाती हैं। नशीली दवाओं के सौदागरों को गिरफ्तार किया जाता है। नशे के कारोबार को पूरी तरह से खत्म करने के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप डिटेक्टिव डिपार्टमेंट समेत हर थाने के पुलिसकर्मी सक्रिय हैं। शनिवार दोपहर दोबारा छापा मारा गया। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की न्यू जलपाईगुड़ी थाना पुलिस ने प्लेन क्लॉथ पार्टी के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ विश्व बांग्ला शिल्पी हाट से सटे इलाके में छापेमारी की। इस ऑपरेशन में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया गया है और दो ड्रग डीलरों को गिरफ्तार किया। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस सूत्रों के मुताबिक गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर यह ऑपरेशन चलाया गया और इस कार्यवाही में करीब 600 पीस नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। इस ऑपरेशन में संदीप विश्वास और स्वरूप विश्वास नाम के दो युवकों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोग सिलीगुड़ी वार्ड नंबर 12 और नंबर 14 के निवासी हैं, परंतु न्यू जलपाईगुड़ी थाने की प्लेन क्लॉथ पार्टी थाने की पुलिस ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि आरोपी इन नशीली दवाओं की सप्लाई कहां से किया करते थे और किसे बेचने के लिए ले जा रहे थे। रविवार को आरोपी को जलपाईगुड़ी अदालत भेजा जाएगा। न्यू जलपाईगुड़ी पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने मजिस्ट्रेट स्तर के पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में आरोपियों की हिरासत से भारी मात्रा में नशे के इंजेक्शन बरामद किए।